दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देखते हैं, लगातार वॉच करते हैं, तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करने के लिए एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन के बारे में दो अलग अलग वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप फ्री में कैसे टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने यूट्यूब वीडियोस पे यूज भी कर सकते हैं और इससे आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा। बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको भी डाउट है, आपको भी मन में सवाल है कि आपका टेक्स्ट टू स्पीच चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा, तो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है जहां पर आपका सारा डाउट क्लियर किया है कि आपका किस किस कंडीशन में टेक्स्ट टू स्पीच चैनल मोनेटाइज होगा और किस किस कंडीशन में मोनेटाइज नहीं होगा। आप इन दो वीडियो को देख करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका टेक्स्ट टू स्पीच चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। फिलहाल आज मैं बात करूंगा कि आपको टेक्स्ट टू स्पीच कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी फ्री में अनलिमिटेड। आपको टेक्स्ट टू स्पीच के रिगार्डिंग मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक वेबसाइट बताया था जहां पर आप लॉग इन करके अनलिमिटेड टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन आपको इसके लिए लॉग इन करना पड़ता था, तभी आप अनलिमिटेड यूज कर पाते थे। लेकिन यहीं पर बहुत सारे लोग फंस रहे थे कि वो लॉग इन ही नहीं कर पाते थे और कमेंट कर रहे थे कि इसमें लॉग इन नहीं हो रहा है। और बिना लॉग इन के हुए आप 500 कैरेक्टर तक कन्वर्ट कर पाते थे और आपको लॉग इन करने के बाद अनलिमिटेड यूज कर पाते थे, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रहा था, लॉग इन नहीं कर पाते थे। लेकिन आज मैं आपके लिए एक वेबसाइट ऐसा लाया हूं जहां पर आपको लॉग इन भी नहीं करना पड़ेगा और बिना लॉग इन के भी आप अनलिमिटेड बड़े बड़े पैराग्राफ को आप टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे और उसे डाउनलोड करके अपने यूट्यूब वीडियो पर यूज भी कर पाएंगे और आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है। और सिर्फ वेबसाइट नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको सेकंड में बताऊंगा आपको कौन सा ऐप मोबाइल में यूज करना है जहां पर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर पाएंगे और अपने यूट्यूब वीडियो पर यूज भी कर पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो वेबसाइट बताऊंगा वो आप अपने मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप या कंप्यूटर में भी यूज कर पाएंगे सेम तरीके से, कहीं कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही आसानी से बिना लॉगिन किए हुए आप अनलिमिटेड टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को यहां से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आप अच्छे समझ नहीं कर पाएंगे और आप कमेंट करेंगे कि आपका तरीका काम नहीं करता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से यहां से जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं मैं कि आप इस वेबसाइट को कैसे यूज करेंगे। पहला बात करूंगा वेबसाइट के बारे में और सेकंड बताऊंगा आपको एप्लीकेशन के बारे में। चलिए वेबसाइट जो है, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है, तो यहां मैं ओपन करता हूं। और दोस्तों, इसके बाद गूगल क्रोम जैसे आप ओपन करेंगे, आप देखिए ऊपर में आपको तीन बिंदु दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और तीन बिंदु में क्लिक करके देखिए यहां पे सबसे पहले आपको ये काम करना है कि यहां पर डेस्कटॉप साइट दिखाई दे रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इसमें क्या करेंगे कि यहां पर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, यहां पर देखिए टेक्स्ट मैजिक, ठीक है, यहां पर आपको टेक्स्ट मैजिक सर्च करना है और यहां पर देखिए वेबसाइट आ जाएगा और यहाँ पर देखिए सेकंड में जो दिखाई दे रहा है आपको इसमें क्लिक करके इसमें आ जाना है, ठीक है। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ और ये साइट जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप बहुत ही आसानी से इस वेबसाइट को यूज कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे यूज करेंगे और यही तरीका आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं सबसे पहले सेलेक्ट करके यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारा सेलेक्ट हो गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वॉइस का, ठीक है, और जो कि इंग्लिश सेलेक्ट है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश की जगह पर अगर आप एरिया से हैं तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके लिए आप क्लिक करेंगे और नीचे जाना है और आपको हिंदी सर्च करना है, जहाँ भी आपको हिंदी मिल जाएगा वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों, हिंदी नहीं, गुजराती भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, देखिए यहाँ पे इंडिया का कई सारे लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे गुजराती मिल गया है, आपको बंगाली मिल जाएगा, कन्नड़ मिल जाएगा, ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है, बंगाली वगैरह सब मिल जाएगा आपको, उड़िया ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा, आपको अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा हिंदी के लिए, तो जैसे ही आपको जाना है नीचे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको हिंदी मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हिंदी दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे चार हिंदी दिखाई दे रहा है, आप इसमें से कोई भी एक हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों की आवाज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो अपने हिसाब से देख लीजिए आपको मेल आवाज़ रखना है या फिर फीमेल का आवाज़ रखना है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं जो फर्स्ट है इसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आपको सेकंड काम करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको स्पीड का ऑप्शन दिखा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप YouTube की तरह ही अपने स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं, अगर आपको इसमें स्पीड अधिक मिल रहा है तो आप कम कर सकते हैं, आपको स्पीड कम मिल रहा है तो आप अधिक कर सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ से स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो नॉर्मल है 1 वही मैं रहने दूंगा और इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज दिखा दे रहा है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट आएगा इस जगह पर वो आप कितना साइज में देखना चाहते हैं, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपल टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे आपको अब लिखना है वो टेक्स्ट जिसे आप टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने देखिए आपको बताया था कि ये अनलिमिटेड आपको दिखाऊंगा, अनलिमिटेड यहां से आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ पहले से लिखा हुआ है स्टोरी का, ठीक है, वही स्टोरी में आपको अभी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, देख सकते हैं कितना बड़ा पैराग्राफ है, कितना बड़ा स्टोरी है, आप देख सकते हैं इसी स्टोरी को मैं अभी कन्वर्ट करने वाला हूं, इतना बड़ा स्टोरी को। आप लोग बोलते हैं ना कि अनलिमिटेड नहीं होता है, इतना बड़ा स्टोरी से आप
जितना बड़ा कन्वर्ट करोगे आप खुद ही सोच लीजिए, और फिर भी आपको दिक्कत होता है आपको दो पार्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा और सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट हो गया है, कॉपी कर लिया, और यहाँ से वापस मैं क्रोम में आऊँगा और क्रोम में यहाँ जो बॉक्स है इस पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक काम करना है, और वो ये है कि यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है आई एम नॉट ए रोबोट, आपको इसमें टिक करना पड़ेगा, और टिक करने के बाद आप यहाँ से सुन सकते हैं इसको जो वॉइस है वो कैसा आने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप प्ले करके सुन सकते हैं, और मैं आपको सुना भी देता हूँ एक बार। ठीक है, मैं इसे प्ले करूंगा और यहाँ से आप सुनिए। ठीक है, मैं साउंड बढ़ा देता हूँ। अगर आप सही दिशा में लगातार मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, मेहनत करते जाना है। दोस्तों आप देख रहे हैं जहाँ भी ये पढ़ रहा है वहाँ ये ब्लू लाइन बना रहा है, मतलब कि जहाँ ब्लू आपको दिखाई दे रहा है वो लाइन को ये पढ़ रहा है। ठीक है, ये सोचकर रुके हुए थे। फिलहाल मैं इसे रोक देता हूँ। अब यहाँ से आप चाहें तो वॉइस चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से आप लैंग्वेज या वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हिंदी के और भी वॉइस मिल जाते हैं, और आप नीचे करेंगे तो आपको इंडिया के और भी सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे आपको, लेकिन खोजना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक लैंग्वेज यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो आपको अपना लैंग्वेज को चूज करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और दोस्तों आपको बता दूँ, जब भी आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहें आप यहाँ से आप इस ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा आपको जो भी लैंग्वेज अच्छा लगता है, जो भी वॉइस अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट करिए, अपना पैराग्राफ को पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और कन्वर्ट करने के बाद में आप यहाँ से डाउनलोड MP3 में कर सकते हैं। ठीक है, और MP3 में डाउन करने के बाद में आप इसे अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं एप्लीकेशन के बारे में कि आपको कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना है जहां पर आप अच्छे तरीके से टेक्स्ट टू स्पीच को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको आना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, और यहां पर आपको टेक्स्ट टू स्पीच सर्च करना है, और ये एप्लीकेशन जो आपको दिख रहा है इसको आपको डाउन करना पड़ेगा टेक्स्ट टू स्पीच TTS को। ठीक है, सिंपल मैं इसे ओपन करूंगा डाउन करने के बाद में, और इसके बाद यहां पर आप देखिए सबसे पहले इंग्लिश दिखाई दे रहा है, तो यहां भी आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना, जैसे कि यहां पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पे देखिए आपको बंगाली दिख जाता है, इसके नीचे आएंगे तो यहां पे देखिए आपको इंडियन इंग्लिश दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए आपको गुजराती दिख जाता है, हिंदी दिख जाता है, ऐसे ही आपको इंडिया के और भी लैंग्वेज नीचे मिलने वाला। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए कन्नड़ दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल मैं सेलेक्ट करूंगा हिंदी को, और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए आपको सैंपल दिखा दे रहा है 9 वॉइस का। ठीक है, यहां पे अगर क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए इस तरह से सुनाई देगा। ठीक है, परीक्षण आवाज है, आपको जो भी वॉइस अच्छा लगता है उसमें से 9 में से जो भी आपको अच्छा लगता है उस वॉइस को आप सेलेक्ट करिएगा। जैसे मुझे 4 ज्यादा अच्छा लगता है तो 4 को मैं सेलेक्ट करूंगा, और इसके बाद आपको डन कर देना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो बॉक्स दिखा दे रहा है यहीं पे आपको लाइन लिखना है, या फिर आपने लिख के रखा हुआ है तो उसे सिंपली कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। तो मैंने पहले से नोटपैड में लिखा हुआ है, उसी को मैं सैंपल आपको दिखाऊंगा कैसा आवाज यहाँ पे आता है। यहाँ देखिए जो बॉक्स है उसमें मैं अपना जो लाइन है उसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको नीचे में कुछ सेटिंग दिखता है, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करके अपने पिच को कम या अधिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्पीड दिखा दे रहा है, आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर स्पीड कम आ रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं, अधिक आ रहा है तो कम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे साउंड जो है उसको आप कम बेसी कर सकते हैं, अगर आपका वॉल्यूम कम आ रहा है तो आप इसे अधिक कर सकते हैं, अधिक आ रहा तो कम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आवाज कैसा आता है। इसके लिए यहाँ पे देखिए आपको स्पीकर दिखा दे रहा है, आप इसमें क्लिक करके सुन सकते हैं कि इसमें आवाज कैसा आ रहा है टेक्स्ट टू स्पीच वाला। ठीक है, मतलब कि AI साउंड कैसा सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्लिक करूंगा स्पीकर में, और आप देखिए आवाज कैसा आता है। अगर आप सही दिशा में लगातार मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ जो है ये अच्छा नहीं दे रहा है तो यहाँ पे आपको फिर से हिंदी में सेलेक्ट करना है, और हिंदी में जाने के बाद यहाँ पे आप वो जो साउंड है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपका साउंड आ गया है, यहाँ पे आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी 3 को सेलेक्ट किया है, इस बार डन करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पीकर में सेलेक्ट करना है, फिर से स्पीकर में टैप करेंगे तो ये पढ़ के फिर से सुना देगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको चेंजेस सुनाई देगा। ठीक है, ठीक से ध्यान से सुनिए। अगर आप सही दिशा में लगातार मेहनत करेंगे तो पहले से आवाज थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप विभिन्न किसी भाषा में टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करके अपने यूट्यूब वीडियो यूज कर सकते हैं, और 100% आपका वीडियो आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा। मोनेटाइजेशन में आपको इस ऐप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर मैंने आपको जो वेबसाइट बताया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका चैनल 100% मोनेटाइज होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि किन किन कंडीशन में आपका चैनल मोनेटाइज होता है और किन किन कंडीशन मोनेटाइज नहीं होता है, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पर आपको 2 वीडियो मिलेगा, उसमें से कोई भी एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन कंडीशन में आपका टेक्स्ट टू स्पीच मोनेटाइज होगा और किन कंडीशन में नहीं होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो की मदद से अगर आप भी अनलिमिटेड टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करना सीख गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले हमारे वीडियो को आप वॉच कर सके। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।